The today's lecture we will discuss the remaining part of the postulology chapter. In the previous lecture we will study the definition of postulology and some of the factors which is affecting or influencing the dose. The definition of postulology is a branch of medicinal science. Ek medicinal science ki aur medical science ki ek branch hai in which deals with the study of dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action. पोस्टोलॉजी एक ब्रांच है जिस एक मेडिसिनल साइंस की ब्रांच है, उसके अंदर स्टडी किया जाता है डोज और उसकी क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स का और वो एंड विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट्स और पेशेंट को वो ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं और उससे क्या होता है कि एक डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल और थेरापूटिकल एक्शन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, इसे बोलेंगे पोस्टोलॉजी. एंड द सम ऑफ द फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग द डोज, there are total 16 factors which are affecting to the dose. First is age, second is sex, then third body weight, then route of administration, then time of administration, environmental factors, emotional factors, presence of disease, accumulation, additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy, tolerance, टैकीफिलैक्सिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस. अभी ये 16 फैक्टर है जिससे कि इन शॉर्टली हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेंगे हम. एज मतलब क्या होता है कि ये जो डोज और ड्रग हम पेशेंट को देते हैं तो वो डोज का और ड्रग का कुछ चीज़ की वजह से फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं, जिससे कि एज जो है एज की वजह से उस डोज के ऊपर और ड्रग के ऊपर कुछ एक फैक्टर्स अफेक्ट होता है. जैसे क्या कि एज बघूनच अपन डॉक्टर काय करतात की छोटा म्हणजे लहान मुलांना त्यानंतर यंगर पर्सनना नंतर ओल्ड पर्सन जे असतात पेशंट असतात त्यांना ते बघूनच काय करतात डॉक्टर लोक की ड्रग्स कोणतं ड्रग किती प्रमाणात पेशंट जायला द्यायला पाहिजे किंवा यंगर पर्सन आहे किंवा ओल्ड पर्सन आहे तर ह्या हे ड्रग ह्याला एवढं प्रमाणातच दिलं पाहिजे किंवा एवढं क्वांटिटीमध्ये द्यायला पाहिजे असं ह्या एजवरून काय करतात की डॉक्टर्सला कळून जातं किंवा एक फॅक्टर आहे जेणेकरून ते अफेक्ट करतं डोसला. आणि त्यानंतर काय ह्याच्यात असं पण सांगता येईल की कमी प्रमाणात जे ड्रग लागतात ते चिल्ड्रनना आणि ओल्ड पेशंटला लागतात आणि जे यंगर पर्सन आहेत त्यांना एक थोडंसं जास्त जरी ड्रग अमाऊंट किंवा गेले तरी ते सहन करू शकतात किंवा टॉलरेट पण करू शकतात असं काही एक हे डोस आहे जे की अफेक्ट करतं ॲज अ फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग म्हणून पोसोलॉजीमध्ये. देन पुढचं एक जे फॅक्टर आहे ते सेक्स आहे की मेल आणि फिमेलमध्ये जे वुमन असतात फिमेल जे असतात त्यांना जे ते काय करतात त्यांच्यामध्ये काय असते की जास्त ते ससेप्टेबल असतात आणि त्यांचं कसं असते की मेन्स्ट्रुएशन जी सायकल असते त्याच्यामध्ये किंवा लॅक्टेटिंग वुमन्स किंवा जे प्रेग्नन्सीमध्ये काही ड्रग्स काय करतात त्या बाळाला हार्मफुल पण इफेक्ट प्रोड्यूस करतात त्यामुळे त्यांना किंवा फिमेलला की कोणतं ड्रग द्यायला पाहिजे कोणतं न द्यायला पाहिजे हे बघूनच द्यावं लागतं. हे एक मेल आणि फिमेलचं एक इथं एक जे फॅक्टर्स जेणेकरून अफेक्ट करतं. त्यानंतर नेक्स्ट जे आहे बॉडी वेट होतं. बॉडी वेटमध्ये काय सांगता येते की बॉडी पेशंटचं जे बॉडी वेट आहे ते त्याच्या एजनुसार इन बिटवीन फिफ्टी टू हंड्रेड और समथिंग 70 kgs असायला पाहिजे त्या पेशंटचं त्या एजमध्ये. एज रिलेटेड सांगते बरं का, तर जरा लहान मुलगा असेल तर त्याचं वेट ह्या एजमध्ये एवढं असायला पाहिजे त्यानुसार त्याला ड्रग किंवा मेडिसिन देता येतं डॉक्टरला. आणि जसं यंगर पर्सन आहे तर त्यांचं वेट एवढं असायला पाहिजे एवढं एजमध्ये ह्यांचा काय म्हणतात एज इतना रहना चाहिए और उसका हाईट भी इतना रहना चाहिए उसके हिसाब से ये देखना पड़ता है. तो एक ये फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है डोज को. देन नेक्स्ट था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि हमने देखा था कि IV जो रूट है इंट्रावेनस रूट के अंदर क्या होता है कि फास्ट एक्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है इंट्रावेनस रूट से और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब फास्ट एक्शन रहती है और इंट्रावेनसली इन द ड्रग विच इज डायरेक्टली इंड्यूसिंग इन द ब्लड इसकी वजह से कुछ कंडीशन में क्या हो जाता है कि टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस होने के चांसेस जास्त असतात.
त्यानंतर आहे की टाइम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, ही एक फॅक्टर अफेक्ट करत आहे. टाइम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, एम्प्टी स्टमक में हम अगर ड्रग लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और ट्रीटमेंट का जो ट्रीटमेंट जो रहती है पेशेंट की, वो अच्छे से एक इफेक्ट बता देगी उसके अंदर, उस पेशेंट के अंदर. कुछ ड्रग एम्प्टी स्टमक ही लेने होते हैं और कुछ जो ड्रग रहते हैं आफ्टर मील लेना पड़ता है. तो एक टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि अफेक्ट करता है डोज को. देन नेक्स्ट जो था इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या बताया जाएगा कि कुछ जो ड्रग रहते हैं दिन में उसके ज़्यादा इफेक्ट और क्या बताते हैं उसका जो फार्माकोलॉजिकल और क्या बोलेंगे जो थेरापटिक जो एक्शन रहती है अच्छे से दिन में प्रोड्यूस हो सकती है. तो ऐसे ड्रग अगर हम रात को देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसकी जो एक्टिविटी जो थी वो डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ये एक फैक्टर जो है अफेक्ट करता है डोज को. देन इमोशनल फैक्टर एक रहता है कि कुछ जो साइकेट्रिक पर्सन रहते हैं और जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन रहते हैं तो उनका जो कनेक्शन रहता है डॉक्टर से, अगर जो फैमिली डॉक्टर रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक अच्छा वो क्या इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा जो पेशेंट रहता है डॉक्टर से इंटरेक्ट अच्छा कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके जो डिसीज़ रहता है, जो उनकी जो पेन है वो अच्छे से रिलीफ हो जाएगा. अगर पेशेंट और डॉक्टर के अंदर क्या हो जाएगा कि एक अच्छा रिलेशन हो जाएगा, को रिलेशन उनका अच्छा रहेगा तो जैसे खुल के बता पाएंगे पेशेंट को उनको क्या तकलीफ है डॉक्टर को. तो एक इमोशनल फैक्टर है कि सम ऑफ द पेशेंट विच इज़ इन द गोइंग इन द क्या बोलेंगे एक डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस टेंशन प्रोड्यूस होता है, तो वो किस चीज़ से उनको होता है. एक साइकेट्रिक पर्सन रहते हैं तो उनको वो बताने में क्या करते हैं, थोड़ा सा हिडन रखते हैं कुछ चीज़ें. तो क्या करना चाहिए कि पेशेंट को अपनी जो तकलीफ़ रहती है तो अच्छे से बताना चाहिए डॉक्टर को. तो ये एक इमोशनल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है डोज को. देन उसके आगे का जो था प्रेजेंस ऑफ डिसीज, मतलब कुछ कंडीशन रहते हैं डिसीज के, तो उसके अंदर कुछ ड्रग जो समथिंग लाइक बारबिट्यूरेट और क्लोरप्रोमाइसिन, ऐसे जो ड्रग रहते हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अगर उनके जो इफेक्ट रहता है लॉन्गर टाइम इफेक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं. अगर हमें वो इसकी बारबिट्यूरेट और समथिंग क्लोरप्रोमाइसिन ऐसे ड्रग हम पेशेंट को देंगे तो उसका लॉन्ग इफेक्ट रहेगा. और किसी पेशेंट को कुछ डिसीज है समथिंग लाइक लीवर सिरोसिस कुछ तो ऐसा डिसीज है, तो उस डिसीज के अंदर इसका क्या हो जाएगा जो इफेक्ट है लॉन्ग टाइम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. तो इससे क्या एक हार्मफुल इफेक्ट भी उस पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा. एक प्रेजेंस ऑफ डिसीज, एक मतलब पहले से ही उस पेशेंट के अंदर कुछ डिसीज है और कुछ जो ड्रग जिसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से उस पेशेंट को हानिकारक क्यों हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होने से चांसेस असतात. हे एक फैक्टर आहे जे की काय करतं की एक अफेक्ट करतं किंवा फॅक्टर्स इन्फ्लुएंस करतं डोसला. देन नेक्स्ट जे होतं ते ॲक्युम्युलेशन होतं. ॲक्युम्युलेशन म्हणजे काय, काही ड्रग्स जे आहेत सर्टन ड्रग्स विच आर ॲक्युम्युलेट इन द बॉडी अँड बिल्ट अप इन द सफिशियंट कॉन्सन्ट्रेशन इन द बॉडी अँड विच इज ॲक्युम्युलेटेड इन द डे टू डे विच इज ॲक्युम्युलेटेड इन द बॉडी अँड प्रोड्युसेस टॉक्सिक सिमटम्स और टॉक्सिक इफेक्ट इन द बॉडी. कुछ जो ड्रग रहते हैं कि उनका ॲक्युम्युलेशन जो है एक्सक्रीशन रेट कम होता है और एक्सक्रीशन रेट कम होने की वजह से एक्सक्रीशन जो ड्रग रहता है एक्सक्रीट नहीं होता तो क्या हो जाएगा कि वो बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाएगा और एक्युमुलेट होने की वजह से क्या हो जाएगा कि एक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और टॉक्सिक सिम्टम्स बॉडी के अंदर दिखाई देंगे. तो वैसे ऐसे कुछ ड्रग हैं जो कि डिजिटलिस है, इमिटिन है और हीवी मेटल्स जो कि बॉडी के अंदर इफेक्ट एक्यूमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं और एक्यूमुलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि एक हार्मफुल इफेक्ट और डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूसेस इन द बॉडी. देन नेक्स्ट जो होता था एडिटिव इफेक्ट होता. थोड़ा शॉर्टली आपण काय करतो रिवाइज करतो चॅप्टरला. ॲडिटिव इफेक्ट एक होतं जे की काय होतं जो दो से जो ड्रग रहते वो ॲडमिनिस्टर करने के बाद क्या होता है कि उसका जो इक्विवेलेंट जो रेट रहता है जो इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करता है सम ऑफ देयर इंडिविजुअल जो उसका एक जो ड्रग रहता है इंडिविजुअल ड्रग उसके हिसाब से दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम बताता है. तो उसे क्या बोलेंगे एडिटिव इफेक्ट. एड मतलब दोनों जो ड्रग हम देने वाले हैं टू और मोर ड्रग्स कंबाइंड में लेंगे तो उसका इक्विवेलेंट जो सम ऑफ फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन रहते हैं तो इक्विवेलेंट रहता है ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल इंडिविजुअल एक्शन की तरह दोनों का भी एक्शन सेम रहता है. तो उसे क्या बोलेंगे एडिटिव इफेक्ट बोलेंगे.
तो देन नेक्स्ट था सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म मतलब क्या, दो और दो से ज़्यादा ड्रग कंबाइन में हम अगर पेशेंट को देंगे तो फार्माकोलॉजिकल और थेरापेटिक की जो एक्शन रहती है ट्रीटमेंट की वो इंक्रीज हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, सिनर्जिज्म ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट जो था एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब क्या, एक व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज टू द एक्शन ऑफ अदर सेम फिजियोलॉजिकल ड्रग और सिस्टम इज कॉल्ड एज ड्रग एंटागोनिज्म। मतलब जब एक ड्रग दूसरे जो ड्रग के एक्शन को अपोज करेगा इन द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक ड्रग दूसरे ड्रग को अपोज करेगा, यानी उसे क्या बोलेंगे, ड्रग एंटागोनिज्म ऐसे बोलेंगे। देन नेक्स्ट जो है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी मतलब एलर्जी से रिलेटेड एक ड्रग है। किसी पेशेंट को पहले से ही किसी चीज़ की एलर्जी है तो डॉक्टर्स को पता नहीं होता कि इसको किस टाइप की एलर्जी है। आप क्या करते हैं, डॉक्टर लोग पूछ लेते हैं कि आपको इस चीज़ की एलर्जी है क्या, इसके बाद वो देखते हैं क्या करते हैं, इसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो क्या बोलते हैं लाइटली भी और ड्रग रहते हैं जिससे कि एलर्जी नहीं हो सकती, लेकिन किसी पेशेंट को उसकी एलर्जी होगी तो डॉक्टर्स को पता नहीं होगा कि इसको इस टाइप की एलर्जी है, तो वो ड्रग देने के बाद उनको एलर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और सम ऑफ द क्या हो जाएगा, पेशेंट के बॉडी के ऊपर रैशेज दिखाई देंगे, स्वेलिंग दिखाई देगी। तो इस तरह के एलर्जी टाइप की एलर्जी और उसको क्या बोलेंगे, आइडियोसिनक्रेसिस एंशिएंट टाइम में बोलते थे, अब उसको क्या बोलेंगे, एलर्जी बोलेंगे। एलर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी जैसे कि पेनिसिलिन है, सल्फोनामाइड है, इसकी वजह से एक सीवर सिम्टम भी के पेशेंट के अंदर दिखाई देने को मिलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, आइडियोसिनक्रेसी बोलेंगे। विच इज़ द इट इज़ द फैक्टर्स विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग द डोज। देन नेक्स्ट जो था टॉलरेंस था। टॉलरेंस मतलब क्या कि कुछ ड्रग को कुछ पेशेंट क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं ज़्यादा। जैसे कि एक 500 मिलीग्राम की टैबलेट है, पैरासीटामोल टैबलेट हम एक पेशेंट को देंगे तो उसको उसका जो फीवर है वो नॉर्मल हो जाएगा और कम हो जाएगा। लेकिन कुछ दूसरा जो पेशेंट है उसको 500 उसको फीवर है और वो फीवर 500 मिलीग्राम की टैबलेट देने के बाद भी कम नहीं होता, तो उसको उसका जो डोज है, डोज का जो क्वांटिटी है और रेट है जो हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको 100 mg का हम पैरासीटामोल टैबलेट देंगे तो उसका क्या हो जाएगा कि जो फीवर है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से क्या क्या बोलेंगे कि वो जो पेशेंट था उसका जो टॉलरेंस है ड्रग के लिए, जो उसका टॉलरेंस था वो बढ़ गया है, क्या बोलेंगे, टॉलरेट हो गया है उसको ड्रग से, तो उसे ये एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा डोज को। देन टैकीफ्लेक्सिस। टैकीफ्लेक्सिस मतलब क्या कि कुछ जो ड्रग रहते हैं कि बार बार देने की वजह से क्या हो जाएगा कि उसका उनका जो रिसेप्टर रहता है बॉडी के जो सरफेस पे जो रिसेप्टर रहते हैं वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, और हम जो ड्रग का कितना भी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे तो भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमको नहीं मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, टैकीफ्लेक्सिस बोलेंगे। जैसे कि हम सिनर्जिज्म में क्या होता है कि दो और दो से ज़्यादा ड्रग हम कंबाइन में अगर पेशेंट को देंगे तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, सिनर्जिज्म बोलेंगे। लेकिन टैकीफ्लेक्सिस में ऐसा नहीं होता। टैकीफ्लेक्सिस मतलब क्या, सर्टन जो ड्रग रहते हैं वो बार बार अगर हम पेशेंट को देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका जो हम बार बार जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा, पूरी जो कि लॉक एंड की टाइप जो रहते हैं ना, पूरा जो रिसेप्टर रहते हैं ना लॉक एंड की टाइप के मॉडल जो रहते हैं वो पूरा ब्लॉक हो जाएंगे, तो जो एक्शन हमको चाहिए होती है वो हम ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी हमको उनका इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलेगा, इसे क्या बोलेंगे, टैकीफ्लेक्सिस ऐसे बोलेंगे। देन नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस मतलब कुछ चेंजेस हो जाते हैं, चेंजेस इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस, और इससे क्या हो जाएगा कि सैलिसिलेट रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर व्हेन इन केस एन इंडिविजुअल हैज कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। मतलब क्या, किसी को अगर कुछ डिसीज़ है, समझो मान लीजिए कि किसी को बुखार है तो पैरासीटामोल देने के बाद ही उसका बुखार कम हो जाएगा। अगर किसी को बुखार नहीं है फिर भी हमने उनको उस पेशेंट को पैरासीटामोल देंगे तो उसका कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस मतलब उसका कुछ भी उसके अंदर इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। कुछ पेशेंट को कुछ अगर डिसीज़ है तो ही ड्रग इफेक्ट करता है, अदरवाइज ड्रग का कुछ भी इफेक्ट शो नहीं होगा उस पेशेंट के अंदर। ये थे कुछ फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और अफेक्ट करते हैं डोज को, इन शॉर्टली हमने देख लिए थे, और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है। आज के लेक्चर में हमने देखना है
कि कैलकुलेशन विच इज़ रिलेटेड टू द डोज। यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं जिससे कि बहुत आई एम पी फार्मूले हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, और ये 100% क्वेश्चन इज आस्किंग इन योर एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ डोसेस। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जैसे कि यंग्स फार्मूला है, ये जो यंग्स फार्मूला है इसको क्या बोलेंगे, 12 साल के अंदर के बच्चों को ही ये यंग्स फार्मूला के हिसाब से डोज देना होता है। तो ये फार्मूला ये है कि यंग्स फार्मूला इज इक्वल टू 12 साल के बच्चों के अंदर ही ये डोज देना है कैलकुलेट कर। तो एज जो लिखना है ईयर्स के अंदर, कितने ईयर्स का जो बच्चा है उसकी ईयर लिखनी है, नीचे भी ईयर प्लस 12 लिखना है, और जो अडल्ट डोज है उसको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ही ये डोज जो देना है वो किसको देना है, 12 साल के बच्चों के अंदर देना, 12 साल के अंदर तक जो एज रहती है बच्चों को उसको उन एज में ये डोज और ड्रग बच्चों को देना है, यंग्स फार्मूला ऐसे बोलेंगे। देन नेक्स्ट था फ्राइड्स रूल और फ्राइड्स फार्मूला। ये क्या हो जाएगा कि ये इन्फंट मैक्सिमम अप टू, जो इन्फंट रहते हैं बच्चे मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स के अंदर और 2 ईयर्स तक क्या करना है, ये डोज देना है। इस फार्मूले से डोज कैलकुलेट कर बच्चों को वो डोज देना है। तो इसका फार्मूला क्या है, बच्चों की एज लिखनी है मंथ के अंदर, और डिवाइडेड बाय क्या करना है 150, और मल्टीप्लाई करना है जो अडल्ट जो डोज होता है, अडल्ट को जो डोज देते हैं कौन से क्वांटिटी में, ये अडल्ट को डोज देना है उसकी जो क्वांटिटी रहती है वो फिक्स होती है वो उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके ये डोज उस पेशेंट मतलब वो जो चिल्ड्रन है इन्फंट है 2 साल के अंदर के बच्चों को ये डोज देना है। इसे क्या बोलेंगे, फ्राइड्स फार्मूला और फ्राइड्स रूल। देन नेक्स्ट जो था डीलिंग फार्मूला। अब डीलिंग फार्मूला क्या होता है कि 4 साल के ऊपर से बच्चों को और 20 साल के अंदर तक चार साल के जो बच्चे रहते हैं उनके ऊपर 4 साल से ऊपर और 20 साल के अंदर तक क्या करना है, ये डोज कैलकुलेट कर उस पेशेंट को देना है और उस चाइल्ड को देना है। डीलिंग्स उसे क्या बोलेंगे, डीलिंग्स फार्मूला ऐसे बोलेंगे। एज इन ईयर्स, वो जो पेशेंट है और जो बच्चे हैं चाइल्ड है उसका एज ईयर्स में लिखना है, और डिवाइडेड बाय 20 करना है, और मल्टीप्लाई करना है अडल्ट का जो डोज है उससे मल्टीप्लाई करके इसका कैलकुलेशन करेंगे, और जो डोज आता है वो डोज उस पेशेंट को दे देंगे। उसे क्या बोलेंगे, डीलिंग्स फार्मूला ऐसे बोलेंगे। देन नेक्स्ट जो है क्या बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी सरफेस एरिया, और इसे क्या बोलेंगे, कैट्जेल्स रूल ऐसे बोलेंगे। अब ये डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एरिया, तो क्या होता है कि जो भी अडल्ट जो रहते हैं अडल्ट क्या बोलेंगे बॉडी सरफेस एरिया से रिलेटेड है ये, तो कैट्जेल्स रूल इज इक्वल टू क्या करेंगे, बॉडी जो सरफेस एरिया है ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट एंड इट इज मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज। मतलब बॉडी सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी पेशेंट है जो भी चाइल्ड है उसकी हाइट एंड वेट का हाइट और वेट का कैलकुलेशन कर बॉडी सरफेस एरिया लिखना है। यहाँ पर समझ में आता है बॉडी सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, उस पेशेंट का हाइट और वेट का कैलकुलेशन करने के बाद बॉडी सरफेस एरिया ऊपर लिखना है, और नीचे भी ऊपर जो है चाइल्ड का लिखना है, नीचे जो है अडल्ट का लिखना है, और उसे मल्टीप्लाई करना है अडल्ट डोज। तो अडल्ट का जो सरफेस एरिया है वो नीचे हाइट और वेट कैलकुलेट किया है, एक स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है वो नीचे दी वाली है 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ अडल्ट डोज और चाइल्ड का मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, बॉडी सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो पेशेंट है उसकी हाइट और उसका वेट से कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के पास उसका बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड लिखेंगे, और नीचे बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट का जो है वो स्टैंडर्ड है 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज। देन नेक्स्ट जो है विच इज़ रिलेटेड टू डोज प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट। अब बॉडी वेट के हिसाब से क्लार्क्स फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। तो क्लार्क्स फार्मूला किसे बोलेंगे, व्हेन वेट इज गिवन, जब बच्चों का वेट
केज में हमको करना है, तो केज में उसका एक फार्मूला है, क्या है वो, चाइल्ड्स वेट इन केजी, केजी में वेट लिखना है बच्चों का और डिवाइडेड बाय 70, और उसे कैलकुलेट करना है, अडल्ट जो डोज रहता है उसे कैलकुलेट करना है। ये हो गया केजी के वास्ते। अब ये क्लर्क्स फार्मूला है फॉर इन्फेंट्स वेट गिवन इन पाउंड्स। अब केजी केजी का ऊपर दिया गया था, नीचे जो है पाउंड्स का है, पाउंड से रिलेटेड है, तो चाइल्ड्स वेट इन पाउंड्स, पाउंड में उनका वेट पाउंड्स में लेना है, और पाउंड्स में अगर वेट लेंगे तो उसे कैलकुलेट कर क्या, उसे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 150 करेंगे। अगर केजी में लिखना है तो डिवाइडेड बाय 70 करेंगे, अगर पाउंड्स में लेना है तो डिवाइडेड बाय 150 करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोल्स। इसे क्या बोलेंगे, क्लार्क्स फार्मूला, विच इज़ गिवन वेट इन केजी और विच इज़ गिवन वेट इन पाउंड्स। ये समझ में आ गया आपको, ये चार टाइप के ऐसे फार्मूले हैं रिलेटेड टू डोज, बहुत आईएमपी है ये फार्मूले, आपको हमेशा याद रखने हैं। फार्मूले भी आस्क किए जाते हैं, और इसके रिलेटेड कुछ क्या बोलेंगे, इससे रिलेटेड एक ये भी है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड, इसकी कैलकुलेशन है वो भी देख लेंगे हम। तो फार्मूला देख लिए, फार्मूला देखेंगे फिर से एक बार, फार्मूला देखेंगे, यंग्स फार्मूला इज इक्वल टू विच इज़ चाइल्ड बिलो 12 इयर्स के अंदर तक ये फार्मूला यूज़ करके डोज देना है हमको बच्चों को। यंग्स फार्मूला इज इक्वल टू एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज। देन नेक्स्ट इज फ्राइट्स रूल ऑफ फ्राइट्स फार्मूला विच इज़ गिवन टू इन्फेंट मैक्सिमम अप टू 2 years, एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज। देन नेक्स्ट इज रीलिंग फार्मूला इज इक्वल टू, ये देना है हमको 4 से 20 साल के अंदर तक बच्चों के लिए देना है ये, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज। देन नेक्स्ट इज कैजल रूल, बॉडी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से रिलेटेड है ये, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज। अब बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अडल्ट जो डोज है सरफेस एरिया 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज। देन नेक्स्ट इज क्लर्क्स फार्मूला विच इज प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट। तो क्लर्क्स फार्मूला क्या था, वेट, व्हेन वेट इज गिवन इन केजी देन इज, देन द क्लर्क्स फार्मूला इज चाइल्ड्स वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज। देन वेट इज गिवन इन पाउंड्स देन क्लर्क्स फार्मूला इज चाइल्ड्स वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर का, सम ऑफ द फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग टू द डोज विच इज़ रिलेटेड टू वेटरनरी, जैसे कि पहले हमने देख लिया था फैक्टर कुछ जो अफेक्ट करते तो वो ह्यूमन के लिए थे। अब जो वेटरनरी मतलब ये जो फैक्टर्स हम देखेंगे एनिमल से रिलेटेड ये फैक्टर हैं, जैसे कि प्रीवियस देखे थे हमने कि वो एनिमल से रिलेटेड कुछ फैक्टर थे जो कि अफेक्ट करते थे डोज को। अब यहाँ पर जो फैक्टर देखेंगे वो पहले जो देखे थे वो ह्यूमन के रिलेटेड देखे थे, अब जो देखने वाले हैं वेटरनरी मतलब एनिमल के हिसाब से कुछ फैक्टर जो क्या अफेक्ट करते हैं डोज को वो क्या है। पहला जो है एक एज है, सेम जैसा ह्यूमन में देखे थे उसी तरह से वेटरनरी डोसेस भी हैं, वेटरनरी डोसेस की भी फैक्टर सेम उसकी तरह है, कुछ डिफरेंस इसके अंदर नहीं है दोनों में। क्या है वो, क्या बोलेंगे, एज है, सेक्स है, जैसे कि बॉडी वेट देख लिया था, साइज, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हैबिट, रेट ऑफ एलिमिनेशन, द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, पर्पज ऑफ मेडिकेशन, स्पेसिस, कैरेक्टर ऑफ ड्रग, ये जो क्या है फैक्टर है सेम जैसा हमने ह्यूमन में देखे थे उसी तरह से एनिमल में भी इसी तरह से है जो कि फैक्टर अफेक्ट करते हैं डोज को। तो फैक्टर डिटेल हम बाद इसके बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम जो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो देख लेंगे, और जो फार्मूले हैं विच इज़ आईएमपी अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स, देन डेफिनेशन ऑफ पोस्टोलॉजी, देन इनलिस्ट द प्रीवियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डोज इन ह्यूमंस एंड एक्सप्लेन इन फोर फैक्टर्स, देन इनलिस्ट द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस वेटरनरी डोसेस एंड एक्सप्लेन इन थ्री। अब ये जो चारों भी क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम इसके नोट्स निकालने के बाद ये जो क्वेश्चन है आपको राइट डाउन करना है। ओके, देन नेक्स्ट
जो कुछ फार्मूले हैं वो फार्मूले फिर से स्टडी करेंगे, जैसे कि हमने देख लिया था पहले और फिर से देख लेंगे। क्लार्क्स यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, कैलकुलेटेड सीडी मतलब कैलकुलेशन फॉर डोज इज इक्वल टू वेट इन पाउंड्स, LBS मीन्स पाउंड्स को बोलेंगे। जैसे कि क्लार्क्स फार्मूला केजी में और पाउंड्स में देख लिया था हमने, उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पाउंड्स का जो सिंबल है LBS इज इसको क्या बोलेंगे, पाउंड्स ऐसे बोलेंगे, वेट इन पाउंड्स मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 150। देन डीलिंग्स फार्मूला यहाँ पर इन्होंने 12 से क्या बोला है, 12 से 20 साल तक बताया है, मतलब एक 4 से 20 साल तक रहता है ऐसे। देन कैलकुलेटिंग डोसेज एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20। देन नेक्स्ट जो था फ्राइड्स फार्मूला अप टू 24 मंथ और तक यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है, और इन्फेंट्स मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स तक ये यूज़ किया जाता है। कैलकुलेट डोज इज इक्वल टू फॉर फ्राइड्स फार्मूला इज एज इन मंथ्स मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज डिवाइड बाय 150। देन नेक्स्ट यंग फार्मूलाज 1 to 12 ईयर्स क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर 12 साल के अंदर के बच्चों तक, 1 साल के ऊपर से 12 साल के बच्चों को क्या करना है, डोज का कैलकुलेशन इस तरह से कर उस डोज बच्चों को देना है। 18 ईयर्स मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। देन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस कैलकुलेशन इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट। अडल्ट का जो डोज है 1.73 स्क्वायर मीटर, ये जो है ना स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे बॉडी सरफेस एरिया है। बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, वेट एंड हाइट का कैलकुलेट कर बॉडी सरफेस एरिया निकालेंगे। देन यहाँ पर हम देख लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेंगे हम रिलेटेड टू यंग्स फॉर्मूला। कैलकुलेट द डोज फॉर चाइल्ड ऑफ 6 ईयर्स ओल्ड ऑलना क्या बोलेंगे ऑलनाजेपिन एक ड्रग है, व्हेन द अडल्ट डोज इज 150 मिलीग्राम। अब यहाँ पर एज जो दिए गई है, एज यहाँ पर यहाँ बताई है इन्होंने कि 6 ईयर एज है यहाँ पर इस चाइल्ड के है, तो अडल्ट डोज जो है, अडल्ट डोज भी ये जो कैलकुलेशन बताते हैं इसके अंदर अडल्ट डोज भी पहले से दे देते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है क्वांटिटी क्या करना है पुट डाउन करनी है आपको। तो एज 6 ईयर्स एन एडल्ट डोज 150 मिलीग्राम। तो यंग्स फार्मूला में यंग्स फार्मूला पहले लिखेंगे, 18 ईयर्स मल्टीप्लाई विद अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। सिर्फ आपको क्वांटिटी पुट डाउन करनी है, 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई विद 150 इज इक्वल टू 50 मिलीग्राम। तो डोज चाइल्ड का कितना है 50 मिलीग्राम देना है यहाँ पर। ये एग्जांपल था यंग्स फार्मूले का। देन नेक्स्ट देखेंगे एक डीलिंग फार्मूला का एक एग्जांपल देख लेंगे हम। कैलकुलेट द डोज ऑफ 5 ईयर ओल्ड यूजिंग डीलिंग फार्मूला व्हेन द अडल्ट डोज इज 1000 मिलीग्राम। डोज कैलकुलेट करना है 5 साल के बच्चे के लिए, तो आपको अब ये ऐसा लगेगा कि ये डीलिंग फार्मूला इन्होंने यहाँ पर बताया था पहले के अंदर, इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया था, ऐसा कुछ बताया नहीं था कि कौन सा फार्मूला यूज़ करके आपको ये कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि बताया यंग्स फार्मूला 12 साल के अंदर के बच्चों को, 1 साल के ऊपर से 12 साल के अंदर के बच्चों को तक यंग्स फार्मूला यूज़ करना है। देन उसके बाद जो क्लार्क्स फार्मूला है वो चाइल्ड के लिए यूज़ होता है, क्लार्क्स फार्मूला अगर यूज़ करना है तो वो बता देंगे नीचे। देन डीलिंग फार्मूला है तो क्या बोलेंगे डीलिंग फार्मूला 4 साल के ऊपर से बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है डीलिंग फार्मूला, 4 साल के ऊपर से 20 साल के अंदर तक। यंग्स फार्मूला 1 साल के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चों तक यूज़ करना है यंग फार्मूला, और डीलिंग फार्मूला 4 साल के ऊपर से बच्चों को लेकर 20 साल के अंदर तक बच्चों को यूज़ करना है। तो एक फार्मूला देख लेंगे हम इसके अंदर डीलिंग फार्मूला का। डीलिंग फार्मूला क्या है, इन्होंने एज बताई है यहाँ पर 5 ईयर्स एज दिए गई है यहाँ पर, और अडल्ट जो डोज है 1000 मिलीग्राम है। तो डीलिंग फार्मूला लिखेंगे एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई विथ अडल्ट डोज डिवाइडेड बाई 20। तो 5 जो सिर्फ क्वान्टिटी पुट डाउन करनी है, 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई विथ 1000 इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम डोज है 5 साल के बच्चे का। देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, एक फ्राइड्स फार्मूले का एग्जांपल देख लेंगे हम। कैलकुलेट द डोज ऑफ 18 मंथ
अब इन्होंने यहाँ पर मंथ बताया है, मंथ का ऑब्वियसली जो मंथ फ्राइड्स फॉर्मूला जो रहता है वो ऑब्वियसली जो फार्मूला में दिया गया है, देखो इसका फार्मूला देखेंगे, एज इन मंथ फ्राइड्स का फॉर्मूला क्या है, मंथ के अंदर आता है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, मंथ का है इतना उच्चार के लिए, तो आप इतना फ्राइड्स मंथ जर उच्चार के लिए तो क्या करना रहता अपन फ्राइड्स फॉर्मुला यूज करना है, आणि जर इथं सांगितलं आहे 5 इयर्स ओल्ड पर्सन डीलिंग फॉर्मुला तर इथं दिलेलं आहे, इथं काय प्रॉब्लेम येणार नाही, इथं सांगितलं नाही 6 इयर्स ओल्ड पेशंट ह्यांनी सांगितलेलं आहे, चाईल्ड सांगितलेलं आहे इथं, तर 6 इयर म्हणजे 12 साल के अंदर काय आहे, तो यंग्स फॉर्मुला यहाँ पर यूज करेंगे, समझ में आया, अब देख लेंगे, कैलकुलेट द डोस ऑफ 18 मंथ चाइल्ड बाय फ्राइड्स फॉर्मुला व्हेन अडल्ट डोस इज 500 मिलीग्राम, तो एज इन मंथ कितना है 18 मंथ है, अडल्ट डोज 500 मिलीग्राम है, फ्राइड्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई विथ अडल्ट डोज, देन 18 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई विथ 500 इज इक्वल टू 60 मिलीग्राम जो डोज है 60 मिलीग्राम का डोज 18 मंथ के बच्चे को देना होता है। और एक एग्जांपल है यहाँ पर क्लार्क्स फॉर्मूला से रिलेटेड है वो, तो कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड ऑफ 5 इयर्स ओल्ड हुज वेट इन पाउंड, अब इन्होंने क्लार्क्स का जो फॉर्मूला है वेट के अंदर बोलेंगे और पाउंड्स के अंदर बोलेंगे, तो समझ जाना है आपको कि ये यहाँ पर क्लार्क्स फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ओके, जब भी 5 जेव्हा ही एग्जाम्पलमध्ये दिसेल आपल्याला की 5 वर्षाच्या पुढं त्या चाईल्डचं एज आहे, तर यंग फॉर्मुला आपल्याला यूज करायचं, 6 असेल 7 असेल 8 असेल 12 असेल वे एज त्या चाईल्डचं, तर यंग फॉर्मुला आपण यूज करणार आहेत। पुढं डीलिंग फॉर्मुलासाठी 4 ते 20 डीलिंग फॉर्मुला जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर ते सांगतीलच आपल्याला कॅल्क्युलेशनमध्ये, 4 से 20 साल की इयर एज जो रहती बच्चों को तो उसे डीलिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। देन उसके बाद क्लर्क्स फॉर्मूले में अगर इन्होंने इस पर कैलकुलेट एग्जांपल में इन्होंने पहले से ही बता देंगे वो कि 5 साल का है, वेट और पाउंड में अगर इन्होंने इथं उच्चार केलं तर इथं समजायचं की आपल्याला इथं क्लर्क्स फॉर्मूला यूज करून कॅल्क्युलेशन करायचं आहे। जर बॉडी सर्फेस एरिया तर दिलं तर तिथं बॉडी सर्फेस एरिया सांगितलं तर आपल्याला ते बॉडी सर्फेस एरियाचं फॉर्मुला यूज करून त्याचं पर्सेंटेज काढायचं आहे अडल्ट डोजचा। देन कॅल्क्युलेट द डोज ऑफ चाइल्ड ऑफ 5 इयर्स ओल्ड हुज वेट इज 22 पाउंड्स एंड अडल्ट डोज इज 600 मिलीग्राम, तो एज यहाँ पर बताई गई है 5 इयर्स, वेट ऑफ चाइल्ड, वेट इथं उच्चार आले, वेट स्पेशली वेट्स आणि पाउंडचं उच्चार आले म्हणजे इथं क्लर्क्स फॉर्मुला यूज करायचं आहे। ओके, यंग्स फॉर्मुला केव्हा यूज करायचा आपल्याला, जेव्हा त्या चाइल्डचं एज आहे 12 च्या आत असेल, ओके, तर तेव्हा आपल्याला यंग्स फॉर्मुला यूज करायचा आहे। आणि डीलिंग फॉर्मुला तर ते सांगतीलच एक्झाम्पलमध्ये, जर सांगितलं नाही आहे तर कन्फ्यूज होण्याचं नाही आहे की कुठं डीलिंग फॉर्मुला यूज करायचा आहे आणि कुठं यंग फॉर्मुला यूज करायचा आहे। डीलिंग फॉर्मुला जर त्यांना सांगायचं असेल तर ते ऑब्व्हियसली एक्झाम्पलमध्ये सांगतीलच, नाही सांगितलं तर तुम्ही काय करायचं आहे की कन्फ्यूज व्हायचं नाही की इथं यंग्स फॉर्मुला पण 12 च्या आतच कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि डीलिंग फॉर्मुलाचं पण 4 ते 20मध्येच आहे, 4 ते 20मध्ये डीलिंग फॉर्मुलासाठी आहे आणि फक्त 12 एज आहे ना ती आहे यंग्स फॉर्मुलासाठी। ओके, कॅल्क्युलेट द डोज ऑफ चाइल्ड 5 इयर्स ओल्ड हुज वेट इज 20 पाउंड्स अँड अडल्ट डोज इज 600 मिलीग्राम, पाउंड्स म्हणलं की लगेच आपण इथं काय करायचं आहे, लगेच क्लर्क्स फॉर्मुला यूज करायचं आहे, इथं एज दिलेली 5 इयर्स, वेट ऑफ चाइल्ड 22 पाउंड्स, देन अडल्ट डोज आहे 600 मिलीग्राम, क्लर्क्स फॉर्मुला इज इक्वल टू वेट इन LBS म्हणजे पाऊंडमध्ये दिलेलं आहे तर ॲज इट इज घ्यायचं आपल्याला पाऊंड्समध्ये, मल्टिप्लाय विथ अडल्ट डोज डिवायडेड बाय 150। फॉर्मुला तुम्हाला पाठच करून ठेवायचं, बघा असं झोपेतून उठलं तरी विचारलं ना तुम्हाला ते सांगताच यायला पाहिजे, फॉर्मुले पाठच करून ठेवायचे तुम्हाला, 4 तर फॉर्मुले आहेत ते तुम्हाला पाठच करायचे, यादही करके रखने गए आपको, वेट इन LBS डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाय विथ अडल्ट डोज, 22 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाय विथ 600 इज इक्वल टू 80 मिलीग्राम ऑफ डोसिस फॉर 5 इयर्स चाइल्ड।
समझ में आया आप सबको कैलकुलेशन ऑफ डेसिस, चार जो चार चार पांच फॉर्मूले हैं ये आपको याद करना है और उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन पूछा तो कैलकुलेशन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ डोसेस। देन नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हमारा वेटरनरी डोसेस, तो एज जैसा कि से हमने सेम ह्यूमन के लिए देखा था उसी तरह से एज का जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है डोज को, जैसा डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर अलग से होते हैं एनिमल को चेक करते हैं, वो उसका एनिमल जो रहते हैं उनकी देखभाल करने के वास्ते वेटरनरी डॉक्टर रहते हैं, तो उनके उनके अंदर जो जो क्या बोलते हैं एनिमल्स रहते हैं तो उनको कौन सी दवाई किस एनिमल को कौन सी दवाई और कितने मिलीग्राम तक देनी है उसका, जैसा जैसे हमने ह्यूमन को देखे थे उसी तरह से एज का जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है अफेक्ट करता है वेटरनरी डोसेस के अंदर एनिमल्स के वास्ते, सेम वैसा ही है। तो कौन सा इन एज के हिसाब से क्या बोलेंगे हम, यंग एनिमल जो रहते हैं उनको जो रहता है ना डोज कम लगता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि जो यंग एनिमल रहते हैं ना वो मोर ससेप्टेबल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, जो यंग एनिमल रहते हैं ना उनको कम डोज लगता है, मतलब क्या बोलेंगे कि जो एज के हिसाब से जो एनिमल की जो एज रहती है वो भी डॉक्टर लोग उसको देखने के बाद पता चलता है कि ये कितनी एज का एनिमल्स है, इसको 10 साल का है 5 साल का है उसका हिसाब अंदाजा लगा कर उसको क्या करते हैं दवाई ड्रग्स दे देते हैं, अगर कुछ उसको पेन होता है वो अलग से डॉक्टर रहते हैं वेटरनरी डॉक्टर अलग रहते हैं उनको समझ में आता है, वो पूरा उसका स्टडी करते हैं कि ये जो एनिमल है उसको ये कितने साल का एनिमल है उसका जो बॉडी का क्या बोलते हैं उसका बॉडी का फिजिकली उसको ऑब्जर्व करते हैं और बता देते हैं कि ये एनिमल इतने साल का है तो इसे कौन सी ड्रग देना पड़ेगा और वो कितना ससेप्टेबल है और कितने प्रमाणात कितनी प्रमाणात त्याला है ड्रग लागल एज कम्पेयर टू द अडल्ट एनिमल। हे झालं एज, त्यानंतर सेक्समध्ये पण जसं आपण ह्युमनमध्ये बघितलं होतं की जे लॅक्टेटिंग वुमन असतात किंवा प्रेग्नन्सीमध्ये आपल्याला कोणते ड्रग द्यायचे नाही आहेत आणि दिले तर ते काय करणार आहेत प्लासेंटेला क्रॉस करणार आहेत आणि त्या फोयटसमध्ये ते अफेक्ट करणार आहेत किंवा एक हार्मफुल इफेक्ट त्या फोयटसवर करणार आहेत की एक हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करणार आहेत त्या फोयटसवर किंवा त्या बाळावर काय करणार बाळावर काय होईल की एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होऊन जाईल, समजत आहे का, जसं म्हणजे की कोणत्या कंडिशनमध्ये आपल्याला ते फिमेल आणि फिमेलमध्ये हा फरक आहे की फिमेलमध्ये कोणतं ड्रग त्या ॲनिमलला नाही द्यायला पाहिजे हे तिथं सांगितलेलं आहे सेक्स, ते हे जे मी नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करते किंवा तुम्हाला PDF ॲज अ PDFमधून तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करायचे आहेत तुम्हाला ते सेपरेटली नोट्स राईट डाऊन करायचे आहेत किंवा तुम्ही हे PPT पण ऑब्झर्व जसं PPT मी इथं सांगते ॲज इट इज तुम्ही पण हे जे लिहून काढलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही आहे आणि मी तुम्हाला नोट्स तरी प्रोव्हाइड करते तर तुम्हाला लिहून करायचे स्वतःला तुम्ही नोटबुकमध्ये पूर्ण जे 3 चॅप्टर झालेले आहेत आपले आज हा चॅप्टर संपू जाईल आणि हे जे तुम्हाला नोट्स काढायचे आहेत, तर आपण एज बघितलं सेक्स बघितलं त्यानंतर बॉडी वेट अँड साईज जसं बघितलं आपण तर ॲनिमल ह्युमनमध्ये तसंच इथं पण सेम आहे, द डोस ऑफ ड्रग इन केस ऑफ ॲनिमल डिपेंड ऑन देअर बॉडी वेट अँड साईज, त्या ॲनिमलची बॉडीचं वेट किती आहे आणि साईज किती आहे ह्याच्यावरून त्याचं एज कळून जाईल कळतंय आपल्याला, आणि ते जर खूप जास्त वयाचं आहे किंवा खूप कमी वयाचं आहे तर त्याचं कोणत्या एजमध्ये त्याचं एक ठराविकच काय म्हणतात ते त्याचं वेट असायला पाहिजे बघा की एवढ्या इतनी एज में इस ॲनिमल का इतनाही उसका वेट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे ये ॲनिमल वीक है बहुत, तो उससे पहले हमको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा उसकी इम्युनिटी पॉवर स्ट्रांग करनी पड़ेगी त्याला जास्त काय म्हणतात फीडिंग करावं लागेल त्याला त्या ॲनिमलची आणि तेव्हाच त्याला आपल्याला ते ड्रग किंवा मेडिसिन त्या आपल्याला किंवा ट्रीटमेंट जे उपचार आहे ते आपण त्याला करू शकतो। पुढचं आहे टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, हे पण जसं आपण बघितलं आहे ह्युमनमध्ये तसंच इथं सेम आहे की स्मॉल डोस ऑफ ड्रग मे बी मोर इफेक्टिव्ह इज इफ म्हणजे एम्प्टी स्टमक जर आपण टॅबलेट किंवा कॅप्सूल जे पण ड्रग आहे ते दिलं तर जे जास्त इफेक्टिव्ह असेल त्या ॲनिमल्समध्ये।
हेच तिथं सांगितलेलं आहे की किंवा काही ड्रग काही जे असं म्हणायचं की आपल्याला की काही जे ड्रग असतात की ते एम्प्टी स्टमकच द्यायला पाहिजेत. सगळेच ड्रग आपण एम्प्टीनं देऊ शकणार नाहीत. काही जे ड्रग असतात की ते आपण एम्प्टी स्टमकने दिलं तरच काय जास्त इफेक्ट प्रोड्यूस करतात, आणि काही जे ड्रग असतात ते आफ्टर मील आपल्याला द्यायचं असते. एम्प्टी स्टमक जर दिलं काही ड्रग तर खूप त्याचं जास्त काय इफेक्ट किंवा ट्रीटमेंट एक जास्त बेटर रिझल्ट आपल्याला त्या ॲनिमलमध्ये मिळून जाईल. देन नेक्स्ट जे आहे रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, जसं की आपण बघितलं होतं की द डोस ऑफ सेम ड्रग व्हॅरीज विथ द यूज ऑफ डिफरंट रूट्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. द मॅक्झिमम डोस इज रिक्वायर्ड वेन द ड्रग इज गिवन ओरली. द मिनिमम डोस इज नीडेड वेन द ड्रग इज ॲडमिनिस्टर्ड इन. जे मॅक्झिमम ड्रग लागतो ते ओरली जास्त ड्रग लागत आहे आपल्याला ॲज कम्पेअर टू द इंट्राव्हेनस. इंट्राव्हेनस ड्रग कमी लागत आहे आणि ते डायरेक्टली इंजेक्ट केलं जातं ब्लड स्ट्रीममध्ये, आणि ते जास्त क्विक ॲक्शन प्रोड्यूस करतं. पण काय होतं आहे क्या होता है कि लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि एक टॉक्सिसिटी पण प्रोड्यूस होण्याचे चान्सेस जास्त असतात इंटरव्हेनस रूटमध्ये ॲज कम्पेअर टू द ओरल रूट. देन नेक्स्ट इथे एक ॲडमिनिस्ट्रेशन डोस दिलेलं आहे, जसं की ओरल रूट इज ग्रेटर दॅन सबक्युटेनस रूट, आणि सबक्युटेनस रूट इज ग्रेटर दॅन इंट्रा मस्क्युलर रूट, आणि इंट्रा मस्क्युलर रूट इज ग्रेटर दॅन इंट्राव्हेनस. एक कॅटेगरी हिने दिलेली आहे. मी तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करते. हे नोट्स बघून तुम्ही सेपरेटली तुमच्या नोट्स हँड रिटन काढायचे आहेत. ओके. देन नेक्स्ट इज एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. ॲटमॉस्फिअर म्हणजे वातावरणावर वातावरणाचं पण खूप इफेक्ट प्रोड्यूस होतं ॲनिमल्सवर. की रेनी सीझनमध्ये काय होतात की वेन द क्लायमेट इज रेनी सीझन असेल की ह्युमिड असेल तर काय होतं की म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे ना की डोस जे असते ना ॲनिमल्समध्ये काय होईल की जे डोस आहे ते ह्युमिड वातावरणामध्ये काय होईल की कमी लागतं ॲज कम्पेअर टू द ड्राय कंडिशनमध्ये. सीझनमध्ये रेनी सीझनमध्ये काय होईल की एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर म्हणजे वातावरणावर डिपेंड असते की किंवा म्हणजे काय म्हणतात त्याला थंडी का गर मौसम होगा तो क्या बोलेंगे जो डोस लगता है ॲनिमल को वो ज़्यादा लगेगा ॲज कम्पेअर टू द हॉट आणि ह्युमिड वातावरणामध्ये. असं ॲनिमल्सशी आहे बघा बरं का. तर नेक्स्ट आहे हॅबिट टॉलरन्स के हिसाब से क्या बोलेंगे की हॅबिट मतलब की टॉलरन्स. एक टॉलरन्स जो इफेक्ट हमने ह्यूमन के अंदर देख लिया था उसी को क्या बोलेंगे हैबिट बोलेंगे इन द एनिमल से रिलेटेड. तो हैबिट के बारे में क्या बताएंगे कि कुछ जो ड्रग सर्टनली हम बार बार एनिमल्स को देते जाएंगे तो क्या होगा हो जाएगा कि वो टॉलरेंस प्रोड्यूस कर दे हो जाएगा उस एनिमल के अंदर. तो उनकी जो टॉलरेंस करने की क्षमता है त्या ड्रगला ती कमी होऊन जाईल. काय होणार आहे जास्त ड्रग लागणार आहे त्या ॲनिमलला, आणि ते काही पण ते जे डिझायर आपल्याला जास्त ड्रग देऊनसुद्धा त्या ॲनिमलमध्ये आपल्याला जे इफेक्ट पाहिजे होतं ते मिळणार नाही, ते इफेक्ट फेल होऊन जाईल. ते टॉलरेट जास्त करतील आणि जास्त ड्रग लागेल त्याला. हेच एक हॅबिट निर्माण होऊन जाईल. टॉलरेट करत जातील ते ड्रग त्या ॲनिमल, आणि ते त्यांचं जे इफेक्ट आहे ते पण कमी होत जाणार आहे दिवसादिवस, की जेणेकरून ते जास्तीत जास्त रोज ड्रग घेतल्यामुळे काय होणार आहे काही ॲनिमल्सला काही डिसीजमध्ये, तर ते त्यांची जी क्षमता आहे टॉलरेट करण्याची ते सहनशक्ती जास्त वाढत जाणार आहे, आणि काय होणार आहे ते इफेक्ट आपल्याला त्या ॲनिमलवर दिसून येणार आहे, हॅबिट फॉर्म होणार आहे त्या ॲनिमलमध्ये. तर रेट ऑफ इलिमिनेशन सांगितलेलं आहे. तर रेट ऑफ इलिमिनेशन म्हणजे जे जास्त प्रमाणात जर आपण रेट ऑफ ॲप्स काय म्हणतात फास्टर जर एक्सक्रिशन लार्ज जास्त प्रमाणात जर डोस दिला आपण तर एक्सक्रिशन रेट पण फास्ट होईल ॲज कम्पेअर टू द स्लो ड्रग आणि स्लो रेट ऑफ एक्सक्रिशन. जास्त डोस दिलं तर जास्त एक्सक्रिशन पण होऊन जाईल ॲज कम्पेअर टू द लो डोस अँड लो एक्सक्रिशन. रेट ऑफ इलिमिनेशन आहे हे ड्रगशी रिलेटेड द इफेक्ट ऑफ ड्रग. देन नेक्स्ट आहे द इफेक्ट ऑफ ड्रग की हमने देखा था सिनर्जिज्म. जैसा हमने सिनर्जिज्म देखा था हमने ह्यूमन के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ ड्रग देखेंगे. जैसे कि दो से ज़्यादा ड्रग सिमिलरली हम कॉम्बिनेशन के अंदर उस एनिमल को देंगे तो
फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो रहती है दोनों की ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल ड्रग देंगे, जैसा इंडिविजुअल ड्रग देते हैं उससे ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाएगी दो ड्रग एक साथ देने की वजह से। तो ये इफेक्ट ऑफ ड्रग बताया गया यहाँ पर, जैसा हमने सिनर्जिज्म देखा था उसी तरह से यहाँ इफेक्ट ऑफ ड्रग बताया गया है कि व्हेन टू ड्रग्स हैविंग द सिमिलर टाइप ऑफ, दो ड्रग लेंगे सिमिलर टाइप ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन आर गिवन इन कॉम्बिनेशन द इफेक्ट विल बिकम मोर पावरफुल दैन द इंडिविजुअल ड्रग। जो रहता है उसके हिसाब से ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताई जाएगी उस दो ड्रग की इक्विवेलेंट डोज के अंदर। देन नेक्स्ट जो था ये होगा इफेक्ट ऑफ ड्रग। देन नेक्स्ट जो था पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन, पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन में क्या, ऑफ मेडिकेशन में क्या बोलेंगे जैसे कि कौन सा टाइप का डिसीज़ है, को क्या हो गया उस एनिमल को, तो उसके हिसाब से मेडिकेशन करना है, ड्रग देना है उसके हिसाब से क्या उसको प्रॉब्लम है, वो उसका प्रॉब्लम देखकर ही मेडिकेशन, अलग अलग डिफरेंट टाइप की मेडिसिन और ड्रग्स यूज करना है उस एनिमल को। स्पेसिस के अंदर बताएंगे वो बोलेंगे जैसे कि स्पेसिस मतलब क्या है, जैसे कि डॉग है, कैट है, देन हॉर्स है, इस जो स्पेसिस जैसे अलग अलग पिग है, शिप है, इनको अलग अलग टाइप के अलग अलग ड्रग देने पड़ेंगे उनके स्पेसिस के हिसाब से। स्पेसिस टू स्पेसिस ड्रग इज वेरीज, डिफरेंट ड्रग इज वेरीज फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस, जैसे कि स्पेसिस जो जो स्पेसिस है उनके हिसाब से ड्रग वेरीज हो जाएगा, डिफरेंट ड्रग हमको उस स्पेसिस के हिसाब से देखकर देना पड़ेगा एनिमल्स को। देन नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ ड्रग, कैरेक्टर ऑफ ड्रग मतलब उन्होंने यहाँ पर ये बताया गया कि कैरेक्टर मतलब वो ड्रग जो है किस फॉर्म में है, क्रूड फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है। अगर क्रूड फॉर्म में वो ड्रग है तो ज़्यादा डोज लगेगा, फॉर एग्जांपल नक्सोमिका की एक पाउडर है उसका जो डोज लगेगा क्रूड फॉर्म में अगर लेंगे तो ज़्यादा फॉर्म में डोज लगेगा एज कम्पेयर टू द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, उसका जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है नक्सोमिका ओमेगा स्टिचनिन एक्टिव। ऑब्वियसली जो भी क्रूड ड्रग रहते हैं अगर क्रूड ड्रग हम उस एनिमल को देंगे तो ज़्यादा ही फॉर्म में लार्ज डोज यूज होगा एज कम्पेयर टू द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। अगर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मेडिसिन और ड्रग बल्कि तो थोड्या प्रमाणात जरी अपन त्या ॲनिमलला ते ड्रग दिलं तर ते त्याला इफेक्टिव होईल ॲज कम्पेअर टू द लास्ट डोस। समजते का हे कॅरेक्टर ऑफ ड्रगमध्ये एवढं सांगितलेलं आहे की जर आपण क्रूड ड्रग यूज करत असाल त्या ॲनिमलला तर ते जास्त प्रमाणात लागल ॲज कम्पेअर टू द ॲक्टिव कन्स्टिट्युएंट ऑफ दॅट ड्रग। आणि जर आपण ॲक्टिव कन्स्टिट्युएंट त्या काय म्हणतात त्या ॲनिमलला जर आपण दिलं ॲक्टिव कन्स्टिट्युएंट ॲज अ ड्रग म्हणून तर ते कमी लागेल, ऑब्व्हियसली कमीच लागणार आहे ना ॲक्टिव कन्स्टिट्युएंट। आणि जे क्रूड फॉर्ममध्ये जे आहेत पावडर असेल किंवा नक्सोमची पावडर असेल, जिंजर पावडर, काय पण व्हॉटएव्हर इट मे बी, काय पण असू दे, ते जास्त प्रमाणात लागणार आहे क्रूड ड्रग ॲज कम्पेअर टू द काय ॲक्टिव कन्स्टिट्युएंट। ओके हमने देख इसके हिसाब से वेटरनरी डोसेस मैंने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आपको इसके स्पेशली बुक में से देखकर इसके नोट्स निकालने हैं आपको। समझ में आ गए, हमने इसके कैलकुलेशन देख लिए थे, क्या क्या देखे थे हमने हमने आज के लेक्चर में फॉर पहले से देखेंगे पोसोलॉजी की डेफिनेशन हमने देख ली थी, उसके बाद फैक्टर विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग द डोज फॉर ह्यूमंस के वास्ते कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देखे थे, 16 ऐसे फैक्टर थे जो कि अफेक्ट करते थे डोज के वास्ते। देन नेक्स्ट हमने देख लिया फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ चाइल्ड, यंग्स फार्मूला हमने देख लिया था, फ्राइड्स रूल ऑफ फार्मूला हमने देख लिया, उसके बाद डीलिंग फार्मूला, उसके बाद बॉडी सरफेस एरिया कैटजेल रूल ऐसे बोलेंगे इसको, उसके बाद डोज प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट क्लर्क्स फार्मूला हमने देख लिया था, इसके बाद जो था वेटरनरी डोसेस फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग टू द वेटरनरी डोसेस। तो जैसा कि हमने ह्यूमन में देख लिया था उसी तरह से एनिमल में भी इसका सेम अफेक्ट करता है डोज, वेटरनरी डोज, जैसे कि एज है, सेक्स है, बॉडी वेट एंड साइज, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस, हैबिट, रेट ऑफ एलिमिनेशन, द इफेक्ट ऑफ ड्रग, पर्पज ऑफ मेडिकेशन, स्पेसिस, कैरेक्टर ऑफ ड्रग, एज मतलब क्या है, एज के हिसाब से कौन सा एज का एनिमल है उसको कौन सी दवाई देनी है, जो भी यंग जो एनिमल रहते हैं तो उसको जो डोज रहता है क्या बोलेंगे, या जो
एनिमल रहते हैं उसको डोज कम लगेगा एज कम्पेयर टू द ओल्ड एनिमल. तो सेक्स में फीमेल को, फीमेल जो एनिमल रहते हैं उसको अगर वो प्रेग्नेंट एनिमल है तो उसको कौन से ड्रग नहीं देना है ये देखना है उसके अंदर, सेक्स के अंदर बॉडी साइज और वेट के अंदर, और जो एनिमल का बॉडी और वेट के हिसाब से ही ड्रग देना है. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्टी ड्रग हमको ज़्यादा इफेक्टिव है. सर्टन ड्रग्स विच आर मोर इफेक्टिव इन द एम्प्टी स्टमक एज कम्पेयर टू द फुल स्टमक. देन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस रूट डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे ब्लड स्ट्रीम में तो ज़्यादा रेट ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा है, लेकिन कुछ क्या होगा, क्या हो जाएगा कि सर्टन टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाएगी कुछ कंडीशन में एज कम्पेयर टू द ओरल रूट. देन इन्वायरमेंटल कंडीशन देखा था, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होगा वेटरनरी डोसेस के अंदर. देन उसके बाद हैबिट, मतलब टॉलरेंस, टॉलरेट कैसे करते हैं, हैबिट कैसे फॉर्म होता है ड्रग्स यानी त्याच्यामुळे त्या ड्रग्स त्याच्या बॉडी त्या बॉडीवर ॲनिमलचे काहीच इफेक्ट प्रोड्यूस होणार नाही, इफेक्ट फेल होणार आहे. त्यानंतर रेट ऑफ इलिमिनेशन, एक्सक्रिशन रेट जास्त डोस दिल्यानंतर एक्सक्रिशन रेट पण फास्टली होईल ॲज कम्पेअर टू द स्मॉल डोस. त्यानंतर इफेक्ट ऑफ ड्रग, त्या ड्रग्सचा इफेक्ट कसं होतं कॉम्बिनेशनमध्ये दिल्यानंतर काय होणार आहे की जास्त प्रमाणामध्ये एक मोर पॉवरफुल ॲक्शन प्रोड्यूस होणार आहे ड्रगची. द पर्पज ऑफ मेडिकेशनमध्ये कोणत्या डिसीजला कोणतं ड्रग द्यायचं आहे हे बघायचं आपल्याला. स्पेसिसमध्ये डिफरंट स्पेसिससाठी डिफरंट ड्रग यूज करायचं आहे. देन कॅरेक्टर ऑफ ड्रग म्हणजे क्रूड फॉर्ममध्ये द्यायचं आहे का त्यात ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये दिल्यानंतर कोणतं ड्रग बेटर इफेक्ट शो करेल हे व्हिटॅमिन डोसेस आहेत. ओके, थँक्यू.